नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका टेक गुरु। आज का ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं उन बंदों के लिए जो अकाउंट का जॉब यहां पे ढूंढना चाहते हैं और जो आईटी का जॉब यहां पे ढूंढना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग आईटी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आईटी की बहुत सारी वैकेंसी होती है। आईटी में आते हैं दो फील्ड, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। तो यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में अभी हो रहा है डिजिटल इंडिया, तो यहाँ पे पहले से ही है, मतलब आप कहाँ पे भी अगर जाते हो तो पूरा डिजिटल है, पेपर वर्क कहीं पे नहीं होता है। सिंपली आप बस स्टेशन गए वहाँ पे भी डिजिटल है, बैंक में गए वो तो डिजिटल है, मतलब जहाँ पर भी जो भी गवर्नमेंट का जॉब होता है वो डिजिटल होता है। तो अगर डिजिटल है तो आईटी होना ही होना है, सही है। तो आप लोग अगर हार्डवेयर में देख रहे हो तो भी यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज है, अभी आप पर डिपेंड होता है कि कैसे जॉब ढूंढना है, ठीक है। अगर हार्डवेयर में आप लोग कर रहे हो तो एज अ सपोर्ट इंजीनियर आप कर सकते हो, लाइक इन योर बेसिक, मतलब आपके बेसिक नॉलेज पर सपोर्ट इंजीनियर नहीं बोल सकते उसको, सपोर्ट के लिए आप काम कर सकते हैं। लाइक जो भी हार्डवेयर का काम होता है, माउस लगाना, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना, नेटवर्क का इशू होता है वो करने के लिए, अगर आपके पास CCNA और नहीं तो MCSA अगर सर्टिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे सिस्टम एडमिन, असिस्टेंट सिस्टम एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर ये पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। और आप अगर IT सॉफ्टवेयर में हो तो उसमें दो फील्ड आती है, फिर अभी तो तीन हो गई हैं, वो तो होता है मोबाइल डेवलपर भी होता है, वेब डेवलपर भी होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। यहाँ पे बहुत सारे बंदे एज अ वेब डेवलपर बहुत सारे बंदे काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत वैकेंसी होती है उसके लिए। मैं भी एक वेब डेवलपर ही हूँ पेशे से, तो हाँ, तो यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अब ये सब में अगर सॉफ्टवेयर में देखा जाए, सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर एंड मोबाइल, तो अभी मार्केट में अभी के हिसाब से वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर की वैकेंसीज बहुत है। सेकंड, उसके बाद एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की, अगर आप इनमें से थोड़ा भी मतलब एक्सपीरियंस है आप जानते हो तो ये अप्लाई कर सकते हो। सॉरी। इसके बाद आते हैं अकाउंट्स जॉब पर। बहुत सारे बंदों ने मुझे अकाउंट्स के बारे में भी पूछा था कि सर अकाउंट में जॉब ढूंढना है अकाउंट में, तो यहाँ पे मिलियन ऑफ कंपनी है दुबई, अब मिलियन, ओके। मुझको भी पर्सनली बहुत लोग पूछते हैं क्या अकाउंट का कोई है, क्या अकाउंट का कोई है, क्या, जिन्होंने भी मुझे अकाउंट के CV भेजे मैंने वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया है रिप्लाई आने के बाद। मैं हर बंदों को रिप्लाई में ये बताता हूँ कि आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपकी फॉरवर्ड CV वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया, वहाँ से रिप्लाई आने के बाद मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगा, मतलब वहाँ से हाँ आती है ना आती है, ठीक है। दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, ओके, क्योंकि मैंने जैसे भी पहले कहा था कि छोटा छोटा पॉइंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है, मिस मत कीजिए, ठीक है। हाँ, तो अकाउंट जॉब भी यहाँ पे बहुत है। अभी बहुत सारे बंदे मुझे पूछते हैं कि सर वो वहाँ पे अकाउंट में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, हमने टैली किया है, टैली में इतना एक्सपीरियंस है। एज पर माई इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्विक बुक नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है अकाउंट में, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में हो, आप आपकी कंट्री में हो, नेपाल में हो, पाकिस्तान में हो, तो ये सॉफ्टवेयर का क्रैक आप ढूंढ के निकालिए। अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर है तो वो ढूंढ के निकालिए और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको अगर पता नहीं है क्विक बुक तो, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से तो क्विक बुक में ज़्यादा काम होता है, मेरी कंपनी में भी क्विक बुक पे ही काम करते हैं वो लोग, ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और आप भी थोड़ा सा गूगल में सर्च करके देखिए कि अकाउंट्स में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं UAE में,
ओके, मैं तो निकाल के आपको जितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ दे दूंगा, अगर आपको भी थोड़ा सा काम करना। अभी फाइनली ये जॉब कैसे ढूंढनी है, आईटी वाली, अकाउंट्स वाली, एप्लीकेशन डेवलपर, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर? आपको जाना है गूगल में, ठीक है? गूगल में जाके अकाउंट्स वालों को तो इजी है, कौन सी कंपनी, कौन सी छोटी हो बड़ी हो, सब कंपनियों में अकाउंटेंट लगता है। आपको क्या करना है, जेन्युइन कंपनी ढूंढनी है यूएई की, बहुत सारी कंपनियां होती है, ठीक है? तो ये कंपनियां ढूंढ के पर्सनली उस ईमेल पे, उस इन्फो वाली ईमेल पे या करियर वाली ईमेल पे या कौन सी भी वहाँ की ईमेल होती है ना, उसमें आपका, मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया था वो गलतियाँ ना किया हुआ सीवी आपको उसको डायरेक्ट भेजना है उस ईमेल पे, ठीक है? बहुत सारे बंदे थे जिन्होंने मुझे अकाउंट्स के बारे में पूछा था, शिंत्रे साहब भी थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा कॉल किया था। तो हाँ, तो वहाँ पे आपको सीवी भेजनी है, सेम आपको आईटी में भी यही करना है। आईटी वाली कंपनी आपको डायरेक्टली ढूंढनी है, आपको जो एक्सपीरियंस है सॉरी, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली आपका ईमेल भेजना है। मैं तो कर रहा हूँ सपोर्ट आपको, मैं तो मेरे हिसाब से जहाँ 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 वैकेंसी होती है मैं उन लोगों के सीवी वहाँ पे भेज देता हूँ। जिनके सीवी में प्रॉब्लम होता है उनको मैं उसी टाइम बता देता हूँ कि सर आपके सीवी में पासवर्ड डिटेल्स नहीं है, आपके सीवी में ये नहीं है, वो नहीं है, वो बता देता हूँ, ठीक है? अकाउंट्स वाले बंद, अकाउंट कंपनी मतलब पूरे हर कंपनी में आप लोग ट्राई कर सकते हो, ओके? और आईटी वाले बंदे भी यही करना है, आईटी वाले भी बंदे भी एज ए सपोर्ट काम करना चाहते हो तो किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब छोटी कंपनी हो तो भी वहाँ पे आईटी सपोर्ट का काम होता है, मतलब प्रिंटर लगाना, लैन देखना, मेंटेनेंस रखना, ये काम होता है। मगर हार्डवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आईटी कंपनी ही चाहिए, तो आपको वो कंपनी यूएई में ढूंढनी पड़ेगी और उस कंपनी पे डायरेक्टली आपका ईमेल करियर में भेज दो, ठीक है? हाँ, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कीजिए, आप नहीं है तो आपके दोस्तों को इसका फ़ायदा हो जाएगा। आपके कमेंट्स बॉक्स में भी डाल दो इस पर कोई क्वेश्चन हो तो। और एक बात बताना चाहता हूँ, जिसके पास पासपोर्ट है वही जॉब अप्लाई करे, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो जॉब अप्लाई मत करिए, क्योंकि आपके वजह से दूसरे लोगों पर भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब आप ऐसे ही भेज दोगे तो लोग सोचते कि बाकी बंदे भी ऐसे ही है, ठीक है? तो आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट डिटेल्स अगर सीवी में नहीं है तो आप मत भेजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और पूरा देखा करिए मेरा वीडियो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। और चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे नीचे बटन होता है, वो बटन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपको नेक्स्ट वाली वीडियो मेरी डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगी। ओके, बाय बाय।